अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। बग़ैर तहकीक के मशवरा देना आदत सी हो गई है, लेकिन कभी कभार ये बात काफ़ी नुकसानदा साबित हो जाती है जब हम बग़ैर छानबीन किए लोगों को किसी बात से रुकने की तंबीह करने लग जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हो रहा है आजकल, जहाँ कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन लेना हराम है, क्योंकि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें जिलेटिन मौजूद है। जिलेटिन होता क्या है? जिलेटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो किसी भी जानवर के जिल्द, चर्बी या हड्डियों से बनाया जाता है। ये आमतौर पर गाय या सूअर से हासिल किया जाता है और ये वैक्सीनेशन में बतौर टेम्परेचर रेगुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैड पार्ट ये है कि कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में मुंबई की रज़ा एकेडमी के ज़रिए एक फतवा जारी किया गया है। रज़ा एकेडमी के बानी मौलाना सैयद नूरी कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ मुहाज बुलंद करते हुए ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन में सूअर की चर्बी का बना हुआ जेलेटिन इस्तेमाल किया गया है, जो कि टीके बनाने में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फाइज़र, मॉडर्ना और ऑस्ट्रिया जेनका के तर्जुमानों ने ये बताया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन में सूअर की बनी हुई किसी भी मसनूआत का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी के सिलसिले की बात को अच्छी तरह से डॉक्टर मुफ्ती एजाज अहमद कासमी और मौलाना असगर इमाम मेहंदी सल्फ़ी अमीर जमात अहले हदीस दिल्ली ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आइए सुनते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन की आमद है और देश भर में इस बात को लेकर के खुशी की लहर है कि अब इस वायरस का इलाज मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इसको लेकर के जो गलतफहमियां फैलाई जाने की कोशिश हो रही है वो बहुत ही अफसोसनाक है। जिलेटिन का इस्तेमाल इस वैक्सीन में हुआ है या नहीं हुआ है, ये तहकीक तलब है। और सबसे पहली बात यह है कि जिलेटिन का इस्तेमाल अगर हुआ भी है तो जिलेटिन सिर्फ पॉर्क से ही नहीं बनता है या सिर्फ काउ से ही नहीं बनता है, बल्कि ये मुख्तलिफ एनिमल में पाया जाता है। वैसे मैंने जहाँ तक इस पर रिसर्च की है और JNU के लाइफ साइंस में जाकर के वहाँ के प्रोफेसर वगैरह से तबादला ख्याल किया है, तो ये पता चला है कि इस तरह की जो भी वैक्सीन आती है उसमें जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। 99% जिलेटिन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उसको टेम्परेचर से कंट्रोल किया जा सके। अगर वो दवा लो टेम्परेचर में है या हाई टेम्परेचर में जाता है तो उसको वो कंट्रोल करता है जिलेटिन, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यह है कि 100% वो जिलेटिन पॉक से लिया गया हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिलेटिन का मादा जो है दीगर एनिमल्स में भी पाया जाता है और इंसान के अंदर भी जिलेटिन का मादा पाया जाता है, उससे भी लिया जाता है। JNU के प्रोफेसर ने यह बताया कि अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका का रिसर्च और वहाँ का फार्मूला अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि पॉर्क वाला जिलेटिन ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड का फार्मूला इस्तेमाल किया जाए या UK का फार्मूला इस्तेमाल किया जाए, UK की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का या लैब का, तो वहाँ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दीगर मजाहिब के जज्बात मजरूह ना हो या और पॉर्क का इस्तेमाल ना हो, बल्कि जिलेटिन दूसरे एनिमल से लिए जाए। तो इस बात का जो है हमेशा UK वाले ख्याल रखते हैं। वहाँ के प्रोफेसर ने ये कहा कि अभी सामने ये नहीं आया है कि कौन सा फार्मूला है इस वैक्सीन में। जब तक इस वैक्सीन के कंपोजिशन सामने नहीं आएंगे, इसके फार्मूला सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए इस पर किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं फैलाई जानी चाहिए, और अगर कहीं कोई गलतफहमी फैलाई जाती है या कोई इस तरीके का वावीला मचाया जाता है कि इसमें जो है पॉर्क जिलेटिन इस्तेमाल हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। अगर वैक्सीन आता है हमारे सामने तो हमें ये देखना होगा कि उसकी अज्जाए तरकीबी क्या है। अगर उसमें वाकई पॉर्क बेस्ड जिलेटिन का इस्तेमाल हुआ है तो फिर हमें मुफ्तियाने कराम से रुजू करना होगा और देखना होगा कि इसके अल्टरनेटिव मार्केट में मौजूद है या नहीं। अगर मुतबादिल मौजूद है तो मुतबादिल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मुतबादिल मौजूद नहीं है तो यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि इस्तरारी कैफियत है या क्या है। इस्तरारी हालत में तो ये सब चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, तो अगर ये इस्तरारी कैफियत बनती है और अगर इसके मुतबादिल मौजूद नहीं है तो फिर उलमाए कराम सरजोर कर बैठेंगे और इसके जवाज़ का फतवा देंगे। लेकिन कोई इनफरादी तौर पर इस पर बहस करना शुरू कर दे और फतवा देना शुरू कर दे या मुल्क के माहौल को ख़राब करे, लोगों में गलत फहमियाँ फैलाए, मैं समझता हूँ कि ऐसा
सही नहीं है। उलमाए कराम को और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान को सोच समझ करके इस पर बहस करनी चाहिए और सोच समझ करके ही कोई फतवा जारी करना चाहिए। शुक्रिया। कुछ सवाल खड़े हो गए हैं कि उसमें कौन से अज्जा शामिल किए गए हैं, कुछ हराम चीज की आमेजिश तो नहीं है? तो ये बात तो मुसल्लम है कि अल्लाह ताला ने जब भी कोई बीमारी नाजिल की तो उसका इलाज भी उसने जरूर उतारा है। तो ये दवा तैयार है, कंपनियों की आदत रही है कि वो अज्जा को फार्मूले को जरूर नोट करते हैं और कि इसमें फला फला अज्जा ऐसे ये दवा तैयार की गई है। ये इस वैक्सीन के सिलसिले में भी बहुत वाज़े तौर पर कंपनियां लिखेंगी और लिखी होंगी। हमको किसी शुबहे का शिकार नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक चीज जब सामने आई है तो उसकी तहकीक हो बेहतर है, लेकिन उन्हीं जराए से हो, अफवाहों के जरिए से न हो, बेजा जदलियात और मुबाहसों के जरिए से न हो और उलझाव के जरिए से न हो। और इस सिलसिले में पूरी साफ दिली के साथ और साफ गोई के साथ हमको अगर सुअर की चर्बी है या कोई हराम चीज की आमेजिश है, जब तक मुतहक्क खबर नहीं आती हमको उलझना नहीं चाहिए। बार बार ये सवाल आप पूछे जा रहे हैं, बहुत सी जहतों से ये सवाल आप आ रहे हैं और मीडिया में, सोशल मीडिया में भी ये आम होता चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में इस तरह के मबाहसों में न पड़ें और जो लोग इसके मुतखस्सिसीन हैं वो तहकीक करके बताएं और इत्मीनान करने के बाद वो इस सिलसिले में कोई बात कहें, वरना सिर्फ शुबहे की बुनियाद पर कि सुअर की चर्बी है या किसी और तरफ से आए कि गाय की चर्बी है फला, यानी हलाल और हराम की तमीज बहुत जरूरी है, लेकिन इस सिलसिले में अफवाह नहीं होना चाहिए, बेजा मुबाहसे नहीं होना चाहिए। ये दवा आई है और ये मुफीद दवा है, उसको इस्तेमाल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरीके से इस सिलसिले में बहुत वाज़े तौर पर जब तक हराम की, यानी इसमें अगर सुअर की चर्बी है, हराम चीज की आमेजिश है, तो उलमा की तरफ इस सिलसिले में रुजू करें कि वो किस हद तक इस्तिरारी सूरत में उसके जवाज का फतवा देते हैं या हाजात के तहत, जरूरियात के तहत वो उसके उसमें इबाहत की। ऐसे आमतौर पर हमको मानना चाहिए कि अशिया के अंदर असल चीज हिल्लत है और इबाहत है, कम से कम इबाहत है, तो उसको हम उसी शक्ल में उसको लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस दवा को सारी दुनिया के लिए मुफीद बनाए और इस मुसीबत उज़्मा कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को, खासतौर पर वतन अजीज को, मुकद्दसात को और सबको महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि डॉक्टर मुफ्ती एजाज अहमद कासमी और मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फी की बातें हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। उसी तरह से कोविड-19 के वैक्सीनेशन का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाए, बगैर तहकीक किए किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से परहेज किया जाए। वो क्या कहते हैं, नीम हकीम खत रह जाए।